हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल 2022 में नए रिलीज होने वाले गेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका फ्रेंड एमजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। हमारा पहला गेम है लेगो स्टार वॉर्स द स्काईवॉकर सागा, जिसकी रिलीज डेट है 5 अप्रैल। लेगो गेम्स बहुत पॉपुलर सीरीज है, जिसमें स्पाइडरमैन, बैटमैन, हैरी पॉटर जैसी फ्रेंचाइजी को कवर किया हुआ है। और इस बार गेम की स्टोरी लाइन सेट है स्टार वॉर्स स्काईवॉकर पे, इसीलिए इस बार गेम का नाम है लेगो स्टार वॉर्स द स्काईवॉकर सागा। तो यार, इस नए लेगो गेम में आप स्काईवॉकर सागा की तीनों ट्रिलॉजीज की जर्नी एंजॉय करने वाले हो और साथ में करोगे पूरी गैलेक्सी को एक्सप्लोर, जिसमें मजा आने के पूरे चांसेस हैं। हमारा दूसरा गेम है एमएलबी द शो 22, जिसकी रिलीज डेट भी 5 अप्रैल ही है और ये लेगो स्टार वॉर्स के साथ ही रिलीज होगा। तो यार, एमएलबी द शो 22 बिल्कुल नया बेसबॉल गेम है, जिसमें आपको 160 से भी ज्यादा लेजेंडरी प्लेयर्स मिलेंगे। गेम के ग्राफिक्स और साउंड सिस्टम की बात करें तो ये अब तक के किसी भी रिलीज हुए बेसबॉल गेम से बेस्ट हैं। और हाँ, ये पीसी पे अवेलेबल अभी नहीं है। अभी आप एमएलबी द शो का मजा सिर्फ कॉन्सोल्स और स्विच पे ही ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट गेम है स्क्वायर इनिक्स का बेबीलोन फॉल अल्टीमेट एडिशन, जिसकी रिलीज डेट है 7 अप्रैल और इसे डेवलप किया है प्लेटिनम गेम्स ने। बेबीलोन फॉल में इस बार यूनिक विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसे क्रिएट किया गया है ब्रश वर्क फिल्टर का यूज करके, जिससे आपको गेम के विजुअल्स एक ऑयल पेंटिंग की तरह लगने वाले हैं। और बात करें गेम प्ले की, तो ये 4-player ऑनलाइन मल्टीप्लेयर एक्शन गेम होगा, लेकिन इसका मजा सिर्फ एक्सबॉक्स वाले ही ले सकते हैं। बेबीलोन फॉल के साथ 7 अप्रैल को एक गेम और लॉन्च होगा, जो है द हाउस ऑफ द डेड रीमेक। ये गेम अभी स्विच के लिए आएगा। नया आने वाला हाउस ऑफ डेड 1997 में आए क्लासिक आर्केड रेल शूटर हाउस ऑफ डेड का रीमेक होगा, लेकिन ऑब्वियसली गेम के कंट्रोल्स, गेम प्ले और स्टैंडर्ड्स आज के मॉडर्न हिसाब से चेंज किए गए हैं। इसी के साथ गेम में आपको मल्टीपल एंडिंग भी मिलेगी, जो इसे इंटरेस्टिंग बनाएगी, क्योंकि फिर आपके डिसीजंस गेम की स्टोरी को डिसाइड करेंगे। हमारा नेक्स्ट गेम है किंग आर्थर नाइट्स टेल, जो लॉन्च होगा 26 अप्रैल को फॉर पीसी एंड कॉन्सोल्स। इस नए गेम में आपको 5 different क्लासेस मिलेंगी, जिनमें 30 से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं। आपको इस गेम में एनिमीज से फाइट करने मिशंस पे जाना होगा, जिसके लिए आप इन्हीं प्लेयर्स में से सिलेक्ट करके एक टीम बनाओगे। आपकी टीम के हर प्लेयर के डिसीजंस मैटर करेंगे और इसी हिसाब से गेम की स्टोरी आगे चलेगी। अभी तक तो सुन के ये अच्छा लग रहा है, बाकी तो फिर खेल के ही पता चलेगा। तो फाइनली आज का हमारा लास्ट गेम है वैम्पायर द मैस्कुरेड ब्लड हंट, जो 27 अप्रैल को लॉन्च होगा फॉर पीसी एंड प्लेस्टेशन। ध्यान रखना, एक्सबॉक्स वालों के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा, बाकी पीसी पे तो आप इस गेम को खेल ही सकते हो। तो यार, नया ब्लड हंट गेम फ्री टू प्ले बैटल रॉयल गेम होगा, जिसमें वैम्पायर के 2 क्लैंस के बीच में फाइट होगी। फाइट में आपके पास सुपर नेचुरल पावर्स और वेपन्स तो होंगे ही, और आपको अपनी पावर बढ़ाने के लिए खून भी पीना होगा, जैसे वैम्पायर्स करते हैं। तो अभी तक तो लग रहा है कि ब्लड हंट का गेम प्ले काफी अट्रैक्टिव है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट डूड एंड डॉल्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर गेम के बारे में वीडियो चाहते हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, प्लीज टेक योरसेल्फ एंड प्ले हार्ड।